जिम हाफ। गाइस आज का थंबनेल तो देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो है एक DIY वीडियो जिसमें मैं आपके लिए आज बनाने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर वाज। गाइस यू नो मैंने एक चीज नोटिस करी है, आप किसी के भी घर चले जाओ फ्लावर वाज तो आपको हर एक के घर में मिल ही जाएगा। बिकॉज जब भी हमारे माइंड में आता है ना कि हमें हमारा घर डेकोरेट करना है, हम सबसे पहले फ्लावर वाज डेकोरेट कर देते हैं। सो इट इज द मोस्ट कॉमन थिंग विच आई हैव सीन इन एवरीबडीज होम, और वो सबके बारे में नहीं, मेरे खुद के बारे में भी। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ और मुझे अपने घर के लिए कुछ परचेज करना होता है, मैं सबसे पहले एक बहुत ही प्रिटी सा और ब्यूटीफुल सा फ्लावर वाज पिक कर लेती थी। बट इसीलिए मैंने सोचा हम हर बार उसको परचेज करते हैं, क्यों ना आज हम उसको खुद बनाए किसी पुरानी चीज को रीयूज करके। सो इसीलिए आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर वाज। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उसको बनाने का प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा सिंपल, बट ये बहुत प्रिटी भी लगने वाला है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लो सो दैट आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर पाए। बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस ब्यूटीफुल फ्लावर वाज। इस अमेजिंग ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर वाज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये एक बॉटल का एक सर्कुलर कवर, ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है। आप चाहें तो आप कोई पुरानी बॉटल भी ले सकते हैं। और गाइस जैसा कि अब आप सब जानते हैं, हमारा पहला स्टेप दैट इज टू अप्लाई जेसो टू गिव इट अ स्मूथ बेस। तो चलो जल्दी से स्मूथ बेस के लिए जेसो को अप्लाई कर लेते हैं। जेसो ड्राई हो चुका है और अब लेते हैं व्हाइट एक्रेलिक कलर और इसको स्पॉन्ज की हेल्प से इसके ऊपर अप्लाई करना है। स्पॉन्ज हमें देगा एक बहुत ही अच्छी टेक्सचर्ड लुक जो इस वाज की ब्यूटी को और भी बढ़ा देगी। और अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सिल्वर कलर और इसे भी स्पॉन्ज की हेल्प से हमें बहुत ही हल्का हल्का डैब डैब करना है किसी किसी जगह पे, जिससे कि हमारे वाज को मिले एक हल्की सी मेटालिक लुक। एंड गाइस ट्रस्ट मी इट विल लुक रियली ब्यूटिफुल। स्पॉन्ज पे हल्का सा सिल्वर कलर अप्लाई करेंगे और बस इसको हल्का ही कहीं पर डैप करेंगे और बाद में इसी को ही मैं हल्का सा ड्रैग करूंगी, जिससे कि मेटालिक जो ये कलर है सिल्वर कलर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और ये कहीं पर ज्यादा इफेक्ट देगा और कहीं पर कम देगा। बट इट इज गोइंग टू लुक अमेजिंग। आप देख सकते हैं इस पे कितनी एक ब्यूटिफुल शाइन एड हो चुकी है। इट इज लुकिंग रियली ब्यूटिफुल गाइज। वाज का बेस अब बिल्कुल रेडी है और अब इसको हम रख लेते हैं साइड में बिकॉज वी डू नॉट नीड इट राइट नाउ। और गाइस अब मैं लेने वाली हूँ मोल्डेड क्ले। गाइस यू नो मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है क्ले को मैंने यूज ही नहीं किया है, तो चलो आज जल्दी से इन इस क्ले की हेल्प से ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनाते हैं अपने इस वाज के लिए। तो क्ले को ओपन करके जल्दी से मैं इन दोनों कॉम्पोनेंट्स को मिक्स कर लेती हूँ जिससे कि हमारी क्ले रेडी हो जाए और अब इससे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्रिएट कर लेते हैं। अब एक सिंपल से जुगाड़ से मैं इस क्ले को बेलने वाली हूँ और आपको पता है जुगाड़ क्या है, ये वार्निश की बॉटल जिससे आज मैं इस क्ले को बेल रही हूँ क्योंकि मुझे एक फ्लैट रोटी जैसी शेप चाहिए। और अब मैंने यहाँ पे आप देखिए लिया है ये एक पेटल के लिए कटर, ये मैंने आपको पता है खुद बनाया है। एक सिंपल सी प्लास्टिक शीट थी मेरे पास, उसको मैंने टेप से रोल किया और इसको एक पेटल की शेप दे दी और बस इसी से ही हम जल्दी से सारी पेटल्स को कट कर लेंगे। देखा ये भी एक जुगाड़, कितना इजी हो गया सारी पेटल्स को कट करना और कितनी जल्दी हो गया। सीरियसली सारे फ्रेंड्स कितना टाइम सेव हो गया हमारा। और पेटल्स को कट करने के बाद अब मैं सिंपल से कटर से इन सारी पेटल्स पे कुछ लाइन क्रिएट कर लूंगी। बस हल्की हल्की हमें लाइंस बनानी है जिससे कि पेटल्स को एक थोड़े सा टेक्सचर्ड लुक मिल जाए। अब फ्लावर के कॉम्पोनेंट्स रेडी हो चुके हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पेटल्स। सो अब जल्दी से इस वास पे थोड़ी सी फेविकॉल अप्लाई करके मैं जल्दी से फ्लावर्स को बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये फ्लावर्स बनाने बहुत ज्यादा सिंपल हैं। हमें बस थोड़ी सी फेविकॉल पेस पे अप्लाई करनी है और इन पेटल्स को पेस्ट करना है। और पेटल्स को किस तरीके से पेस्ट करना है वो तो आप देख ही रहे हैं कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, तो जल्दी से आप अच्छे से वीडियो को देखते जाइए और देखिए फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल तरीके से बन के रेडी हो जाएंगे।
अभी सारे फ्लावर्स हमारे रेडी हैं एंड दीज आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, पर अभी हम इसके ऊपर पेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज अभी ये क्ले बिल्कुल वेट है, ये ड्राई नहीं हुई है। सो वी हैव टू लीव इट एटलीस्ट फॉर 35 to 40 minutes कि ये क्ले ड्राई हो जाए और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर पेंटिंग। क्ले के ड्राई होने के बाद अब शुरू होता है इन फ्लावर्स को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने का प्रोसेस। पहले मैं लूंगी थोड़ा सा व्हाइट कलर और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ही मीडियम मैजेंटा कलर, और गाइस इससे मिलेगा हमें बहुत ही प्रिटी पिंक कलर एंड दिस इज लुकिंग सो नाइस। इट इज सच अ ब्यूटीफुल पेस्टल शेड, और अब इसी पेस्टल शेड से हम तीनों फ्लावर्स को जल्दी से पेंट कर लेते हैं। This process is so amazing, guys. आपको पता नहीं है मुझे इन फ्लावर्स को पेंट करने में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सच में ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है। प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक का प्रोसेस आपको कैसा लगा। And I know you must be thinking it is amazing process. आप इसे बना के देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। एंड गाइज अगर बेस पे थोड़ा सा पिंक कलर लग भी जाता है, डू नॉट वरी, इसे हम बाद में ठीक कर लेंगे। मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर लेके इन इस पे अप्लाई कर लूंगी, फिर हमारा बेस भी वापस से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो वी डू नॉट हैव टू वरी कि अगर कलर थोड़ा सा बाहर निकल भी जाता है। एंड नाउ आई विल टेक मीडियम मैजेंटा कलर जो इसी का डार्कर टोन है, और इसी कलर से हमें थोड़े से शेडिंग ऐड करूंगी जिससे हमारे फ्लावर्स को मिलेगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डिफरेंट लुक। फ्लावर की पेटल्स में कलर कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है सेंटर की, और उसके लिए मैं लेने वाली हूँ थोड़ा सा ब्राउन कलर, सैप ग्रीन एंड मस्टर्ड कलर। बस इन तीन कलर के कॉम्बिनेशन से ही हम जल्दी से फ्लावर के सेंटर को फिल कर लेते हैं। एंड नाउ आफ्टर फिलिंग द सेंटर ऑफ द फ्लावर, अब इसी ग्रीन कलर में थोड़ा सा व्हाइट कलर ऐड करके ये ब्यूटीफुल सा लाइट ग्रीन शेड मिलेगा, और इसी कलर से हम भर लेंगे इन स्टेम्स में कलर। And this is looking really pretty, guys. This green color has come out really beautiful. And our vase is looking so attractive. Flowers हमारे complete हो चुके हैं, और अब जल्दी से hot glue को मैं apply करूंगी हमारे vase की ऊपर की edge पे, because ये अभी थोड़ी सी unfinished लग रही है। So अब जल्दी से hot glue को apply करके मैं इसके ऊपर paste कर रही हूँ ये macrame thread. ये मैक्रेम थ्रेड है, आपको इजीली और कहीं पर भी मिल सकता है, आप चाहें तो आप जूट रोप भी लगा सकते हैं। तो जल्दी से इस मैक्रेम थ्रेड को इसके ऊपर पेस्ट कर लेती हूँ, और साथ में मेरे पास यहाँ पे हैं कुछ पर्ल्स, और इसको भी फेविकॉल की हेल्प से हम जल्दी से दोनों एजेस पे पेस्ट कर लेंगे, वास के ऊपर भी और नीचे बॉटम की साइड पे भी। ये देगा वास को एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक जिससे कि वास लगेगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, और ये बहुत ही इजी स्टेप है। आपको ये पर्ल्स आराम से किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे। दीज लुक रियली ब्यूटीफुल, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है इन पर्ल्स को यूज़ करना। And guys, making this vase was so simple. बस एक क्ले की हेल्प से हमने कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्रिएट कर लिए, और ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब इसी ब्यूटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए वार्निश, और अब जल्दी से इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि गाइज आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है टू प्रोटेक्ट ऑल आर कलर्स, जिससे कि हमारा ये वास ऐसे ही हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल लगता रहे। गाइस देखा आपने ये फ्लावर वास कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है, और इसको बनाने का प्रोसेस कितना ज्यादा सिंपल था। आप भी इसको अपने लिए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और जो आपके घर को बना देगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आने वाले वीडियोस के लिए भी आप भी मुझे आइडियाज दे सकते हैं कि और मैं किन किन तरीके की क्रिएटिव आर्ट्स आपके लिए बनाऊं। और गाइस अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।